हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बच्चों का स्कूल चूज करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखें। देखिए, कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है स्कूल में, तो हम किन बातों का ध्यान रखें, तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमारे घर से वो स्कूल कितना दूर है। ज़रूरी नहीं है कि जो सारे स्कूल दूर है वही अच्छे होते हैं, आपके घर के आसपास भी स्कूल आपको अच्छे मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए, एक बच्चा जो अभी स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया है वो एक लंबी नींद लेता है, सुबह 7-8 बजे तक सोता है। पर अगर स्कूल का टाइम 8 बजे का है, आपका बच्चा दूर के स्कूल में जाता है, तो उसे 7 बजे तक रेडी होना पड़ता है अपनी बस या वैन के लिए। तो उससे क्या होता है, उसकी उससे नींद डिस्टर्ब होने लगती है। ऐसा ही होता है दिन में छुट्टी के वक्त, अगर आपके बच्चे की 1 बजे छुट्टी होती है तो उसे घर आते आते 2-2.5 बज जाते हैं, जो कि उसके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मैं कभी प्रिफर नहीं करती हूँ कि दूर का स्कूल किसी को एडवाइस करूँ। कोशिश ये कीजिए अपने घर के आसपास अच्छे स्कूल को ढूंढने की। दूसरी बात भाई, फीस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने नर्सरी से लेकर 12th तक उसकी फीस पे करनी है। तो कभी भी इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि उसकी नर्सरी में कितनी फीस है, इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब तक वो 12th तक पहुंचेगा उस स्कूल में कितनी फीस हो जाएगी। तो हमेशा आगे की सोच कर ही स्कूल को चूज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नर्सरी में अभी 5,000-10,000 जाती है, वो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, पर जैसे जैसे बच्चा क्लास बढ़ेगी उसके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे और बाद में आप हाथ खड़े कर देंगे और बोलेंगे बेटा आप मेरे बस की नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। देखिए, फीस कई लोग बड़ा प्रेशर समझते हैं अपने ऊपर कि भाई इस बात का बहुत प्रेशर है लोगों पे कि हमारे बच्चे की फीस कितनी है। नाक कट जाती है कि अगर हम बोले कि हमारा बच्चा सस्ते स्कूल में जाता है। पता नहीं क्यों, मुझे याद है मैं जब स्कूल में थी ना, मेरी फीस जाती थी 12 रुपये 60 पैसे, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई स्टूडेंट हूँ। 12 रुपये 60 पैसे मेरी फीस जाती थी, वो भी 3 महीने की, मतलब एक महीने की फीस मेरी 4 रुपये 20 पैसे जाती थी बस। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, या जो ज्यादा फीस दे रहे हैं वो बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर। पर हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अपने बच्चे की फीस बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं ना, तो इसकी भड़ास आप अपने बच्चे से जिंदगी भर निकालेंगे कि तेरे ऊपर मैंने इतना खर्चा किया तू कुछ नहीं बना, तेरे ऊपर मैंने इतना खर्चा किया तू पढ़ाई नहीं करता। इस तरीके से हम बच्चे को बहुत ज्यादा टोंट मारने लगते हैं। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कितने महंगे स्कूल में भेज रहे हैं या कितने सस्ते स्कूल में भेज रहे हैं। बच्चे को पढ़ना है, वो महंगे स्कूल में भी उतना ही पढ़ेगा और सस्ते स्कूल में भी उतना ही पढ़ेगा। तो आपके बोलने से या आपकी फीस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे के हिसाब से और आपकी जेब के हिसाब से स्कूल को चूज करें, दुनिया के कहने पर नहीं कि फलाने स्कूल की तो 20,000 रुपये फीस है ना, वो बहुत अच्छा स्कूल है। ऐसे सुन सुन के मत चूज कीजिए बच्चे के स्कूल को। तीसरी बात, हम कुछ ऐसे पेरेंट्स से मिल सकते हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी उस स्कूल में जाते हैं। हमारे आसपास, घर के आसपास कई पेरेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके बच्चे उस स्कूल में जाते हैं या जिन्होंने आपको वो स्कूल रिकमेंड किया है। कभी भी टीचर्स के कहने पे मत लीजिए। देखिए भाई, क्या होता है ना, मेरे घर की तो मैं तारीफ ही करूंगी, इसलिए टीचर्स भी अपने स्कूल की तारीफ ही करेंगी। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात कीजिए जिनके बच्चे ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो हमेशा एग्जिस्टिंग पेरेंट्स से जरूर बात कीजिए स्कूल की अच्छी बातों के बारे में और बुरी बातों के बारे में भी। चौथी बात भाई, बच्चे की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आजकल तो स्कूल्स में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं ना कि सुन सुन के डर लगता है कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। तो हमेशा जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाएं, तो स्कूल की सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर रिसेप्शन में पूछिए। प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल से बात कीजिए। सीसीटीवी है नहीं है, क्लासरूम से टॉयलेट का डिस्टेंस कितना है, सब कुछ जानने का हक है आपको, और ज़रूर इस बारे में पूछिए। देखिए, अगर आप कंसर्न नहीं दिखाएंगे ना अपने बच्चे की सिक्योरिटी के लिए, तो कोई कंसर्न नहीं दिखाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपके बच्चे को है कोई मेडिकल प्रॉब्लम, आज सुबह ही मेरे पास एक व्यूअर का मैसेज आया कि मेरे बच्चे को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है और मैं उसके लिए स्कूल चूज नहीं कर पा रही हूँ, जिनकी रिक्वेस्ट में मैं एक्चुअली ये वीडियो बना रही हूँ। तो श्री जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे को मेडिकल प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, आप स्कूल चूज करते वक्त उसके प्रिंसिपल टीचर से ये बात जरूर डिस्कस करें। देखिए क्या होता है ना, हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपाना नहीं है, क्योंकि टीचर्स प्रिंसिपल्स इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि वो आराम से ये बात जान लेते हैं। 1 महीना 2 महीना 3 महीने में शायद उन्हें पता चल ही जाएगा। तो छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपके बच्चे में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ज़रूर टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए। हो सकता है आपको हॉस्पिटल के या जो जहाँ भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ के पेपर स्कूल में सबमिट करने पड़े एज अ प्रूफ,
तो जरूर कीजिए, घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल स्कूल्स में कई मेडिकल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके हैं दो बच्चे तो कोशिश ये कीजिए कि दोनों को सेम स्कूल में भेजिए, क्योंकि होता क्या है ना, छोटे बच्चे को हमेशा ही डर रहता है कि मैं अकेला हो गया हूँ इस स्कूल में, तो वो डर बच्चे को नहीं रहेगा जब उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन सेम स्कूल में पढ़ती होंगी। मैं अगर आपसे अपनी शेयर करूँ बात, तो जब मैं फर्स्ट या सेकेंड क्लास में थी, मेरी दीदी मेरे स्कूल में पढ़ती थी, मेरी छुट्टी जल्दी हो जाती थी छोटे बच्चों की, और बड़े बच्चों की स्कूल की छुट्टी लेट होती थी, तो मैं क्या करती थी, उसकी क्लास में जाके लास्ट बेंच पे जाके सो जाती थी। टीचर्स को पता था कि मेरी बड़ी बहन उसी क्लास में पढ़ती है, तो वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। तो ये बहुत फ़ायदा होता है छोटे भाई बहन को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने बच्चों को अलाउ कीजिए बड़े की क्लास में जाके सो जाना, पर हाँ, इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है छोटे बच्चे पे कि मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन उसी स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो वो जल्दी से मेरे पास आ जाएंगे। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो रहे आपके लिए यूज़फुल तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, किड्स कलरिंग फन के नाम से है मेरा पेज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।